हाय गाइस, वेलकम बैक टू राइडर बॉय सलू। आपका भाई शैलेंद्र एक और नई इन्फॉर्मेशन के साथ आप सबके सामने हाजिर है। तो आशा करता हूँ आप सब भी अच्छे होंगे और स्वस्थ होंगे। आज बात करेंगे हम देश के एक और खूबसूरत टूरिस्ट प्लेस की, जिसका नाम है ओली। तो गाइस, ओली में कौन कौन सी चीज़ें देखने लायक हैं और यहाँ पर आप कैसे जा सकते हैं, कितने दिनों के लिए आपको टूर बनाना है और साथ में कितना आपका खर्चा होगा, तो वो सब चीज़ इस वीडियो में मैं कवर करने वाला हूँ। तो बिना स्किप किए पूरी वीडियो देखना अगर ओली जाने का मन है तो, क्योंकि सही इन्फॉर्मेशन बहुत ज़रूरी है। कहीं ऐसा ना हो कि 5,000 के 15,000 आपके लग जाए। तो आइए शुरुआत करते हैं आज की वीडियो की। तो गाइस, आप सबको पता है कि ओली उत्तराखंड के चमोली जिले में स्थित एक खूबसूरत टूरिस्ट प्लेस है, जो कि चारों तरफ से हिमालय की खूबसूरत पहाड़ियों से घिरा हुआ है और लगभग साल के 12 महीने यहाँ पर ठंड रहती है। लेकिन जो सबसे ज़्यादा यहाँ के लिए टूरिज्म है, जो टूरिस्ट है, वो आते हैं ठंडियों में, दिसंबर से फरवरी मार्च के बीच में, क्योंकि इस समय यहाँ पर बहुत ज़्यादा बर्फ गिरती है। तो गाइस, आप ओली कैसे जाएंगे? देखिए, अगर आप दिल्ली से ओली जा रहे हैं तो दिल्ली से ओली जो है वो लगभग 450 किलोमीटर पड़ता है। तो आप क्या करेंगे कि आप फर्स्ट डे नाइट को निकलिए हरिद्वार के लिए। हरिद्वार आप जाइएगा, वहाँ से आप गंगा स्नान करके वहाँ से आप सुबह 6 बजे की बस पकड़ लीजिएगा या टैक्सी पकड़ लीजिएगा, जो कि शाम तक आपको इजली ओली पहुँचा देगी। एक रास्ता तो ये हो गया, अगर आप बस जाते वो भी आपको शाम तक पहुंचा देगी, और टैक्सी से जाएंगे तो वो भी आपको शाम तक ओली पहुंचा देगी। तो गाइस, आप बस से या उससे जा सकते हैं आप ओली, और इजीली ओली पहुंच भी सकते हैं। तो गाइस, इजीली ओली पहुंच जाएंगे। अब देखिए, वहाँ पे घूमने लायक चीज क्या क्या है वो मैं आपको बता दूँ कि ओली तो है ही स्पेशल। जो ओली है वहाँ से चारों तरफ का हिमालय का व्यू दिखाई देता है, बहुत खूबसूरत व्यू है वो है। उसके अलावा आप यहाँ पे एडवेंचरिंग कर सकते हैं, जो कि बहुत सारी नई नई एक्टिविटी वहाँ पे होती है वो कर सकते हैं। तो गाइस, जो यहाँ पर आपका माना पर्वत है, साथ में हिमालय की जो पहाड़ियाँ है, वहाँ से खूबसूरत धूप की किरणें निकलती है। तो भाई, ऐसा नज़ारा फील होता है वहाँ जाके कि जैसे आप स्वर्ग देख रहे हैं। तो गाइस, ये भी देखने एक अपने अलग में अलग एहसास होता है। तो साथ में वहाँ पे आपको लेक भी मिलती है, जो कि ओली में लेक बनी हुई झील है, और वो झील समझ लो सो कि 12 महीने पानी रहता है, तो वो भी और बिल्कुल प्योर साफ सुथरी झील बनी हुई है। तो गाइस, ओली क्या है कि आप सभी को पता है, जैसे मैंने बताया कि बाय बस से जा सकते हैं या टैक्सी जा सकते हैं, ट्रेन ओली तक सीधा नहीं जाती है। आप इसी पे देहरादून के रास्ते भी ओली जा सकते हैं और इसी केस से भी आप होके ओली जा सकते हैं। तो यहाँ पे आपका जो ओली आने का जो खर्चा आएगा वो आएगा आपका लगभग 600 रुपये पर हेड बस की टिकट है, और अगर आप बाय टैक्सी जाते हो तो टैक्सी का आपको अपने हिसाब से 5,000 से 7,000 रुपये टैक्सी वाले ले सकते हैं, ओली के मांग सकते हैं। आपकी कन्विंस पे है कि आप कितने पे ओली कवर कर लेंगे और कितना आप मिनिमम उनको कर ले, क्योंकि वहाँ का है आपको आप बढ़ा करा के रेट बोलेंगे, तो आप खुद बार्गेनिंग करके रेट को कम करवा सकते हैं। अब गाइस, आप ओली जा रहे हैं तो ओली घूमने जा रहे हैं तो वहाँ पे रुकेंगे भी, तो होटल्स जो है ना, होटल्स के लिए कोशिश करिए या तो कर्णप्रयाग में ले लीजिएगा, जो ओली से लगभग 50-60 किलोमीटर पड़ता है, और या फिर पीपलकोटी में ले लीजिएगा, क्योंकि यहाँ पे आपको होटल जो है 500-700 रुपये में मिल जाएगा। अगर आप सीधा डायरेक्ट ओली पहुँच रहे हैं तो ओली में क्या है कि आपको जो होटल मिलेगा वो 2,500 से 3,000 रुपये चार्ज करेंगे एक नाइट का। तो इस हिसाब से क्या है कि यार आपको बहुत कॉस्टली पड़ जाएगा, और अगर आपका जो बजट होगा, बजट में से समझ लीजिए आधा तो आपका रहने का और आधा आपका ट्रांसपोर्ट में सब चला जाएगा, तो फिर आप घूमेंगे क्या। तो होटल के लिए कोशिश करिएगा कि कर्णप्रयाग में लीजिएगा या पीपलकोटी में ले लीजिएगा। तो इस प्रकार से आपका होटल का हो गया, यहाँ पे आपको 500-700 रुपये में होटल मिलेगा, और अगले दिन आप सुबह सुबह आप ओली के लिए निकल जाइएगा। ओली निकलेंगे आप सुबह 6 बजे ओली निकल जाइएगा, तो शाम तक आप ओली घूम के इसलिए आ जाएंगे और वहाँ के व्यू भी देख करके आप आ जाएंगे। तो इस प्रकार से गाइस, आप ओली जा सकते हैं। अब देखिए, यहाँ पे फूड का खर्चा क्या है, जो फूड से आपका 500-700 रुपये पर डे का लेके चलिए, 700-800 रुपये आपको फूड पर पर्सन का पड़ेगा। तो इस प्रकार से आपको फूड्स हो गया, ट्रांसपोर्ट का मैंने बता दिया कैसे जाना है, और अब
बात आते टोटल खर्च कितना होगा। तो देखिए अगर आप पहले निकलते हैं दिल्ली से हरिद्वार तो उसका खर्चा आप मान लीजिएगा पर हेड 300 से 400 रुपए। ओली से निकलेंगे बाय बस निकल रहे हैं आप तो आपका 600 रुपए आपको कर्णप्रयाग या पिपरकोटी तक हो जाइए। वहाँ अगले दिन वहाँ से जो आप जाएंगे करके तो जो भी लगे 1000-2000 रुपये टैक्सी वाला ले वो आपको सीधा ओली तक छोड़ देगा। तो इस प्रकार से आपको जो ट्रांसपोर्ट का जो खर्चा है वो आपका पड़ेगा 4,000-5,000 रुपये आपका ट्रांसपोर्ट का खर्चा हो गया। होटल्स का खर्चा मान लीजिएगा 3 दिन का प्लान करके जा रहे थे 3 दिन के लिए होटल लेंगे तो होटल का जो आपका पड़ जाएगा वो आपको पड़ जाएगा 3,000-4,000 रुपये। फूड्स मान लीजिएगा 2,000 रुपये का फूड्स मैं आपको 2% के लिए बता रहा हूँ तो 2,000-3,000 रुपये का फूड्स पड़ जाएगा। तो इस प्रकार से आपको जो ट्रिप है दो लोगों के लिए वो 10,000-12,000 से 13,000 में ट्रिप के लिए जाएगी पर हेड 5,000-6,000 रुपये आएगा। तो गाइज अगर आप ओली जा रहे हैं तो ओली थोड़ा देख के और सही इन्फॉर्मेशन लेके जाइएगा क्योंकि वहाँ पे क्या होता है कि अगर सीजन टाइम पे आप जाएंगे तो सीजन टाइम पे बहुत ज़्यादा आपका खर्चा हो सकता है क्योंकि वहाँ पे अलग अलग चार्ज मांगे जाते हैं। और गाइज आशा करता हूँ कि वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो आपको अच्छी लगी तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। बाकी मिलते हैं आपसे अगले एक नए ब्लॉग में एक नई इन्फॉर्मेशन से। तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।